आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। यह तस्वीर पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा क्या कह दिया जिसे देखकर हर पाकिस्तानी को मिर्ची लग रही है, उनके अंदर खलबली मच रही है। शेख हसीना ने मोदी जी को एक भाषण की किताब भेंट की। ऐसे में इस किताब में ऐसा क्या है जो पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो पा रहा है, बताते हैं पूरी खबर आपको इस वीडियो में। खबर के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हुई है। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दोनों के बीच बातचीत के बाद 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसे देख पड़ोसी पाकिस्तान को काफी मिर्ची लग गई होगी। दिल्ली में आज शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक भाषण का भारतीय भाषाओं में अनुवाद सौंपा। मुजीब ने 7 मार्च 1971 को यह ऐतिहासिक भाषण दिया था। सरकारें बदल गई, दशक बीत गए, लेकिन पाकिस्तान की वो टीस बरकरार है। 1971 में भारत ने उसे कुछ ऐसा सबक सिखाया था जो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां चाहकर भी नहीं भुला पाएगी। 6 सितंबर की तारीख भी ऐसी ही थी जब पाकिस्तान अपने सैनिकों की शहादत को याद करता है। जी हाँ, 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। जिक्र हुआ है तो यह समझना भी जरूरी है कि पाकिस्तान को वह भाषण आज भी क्यों खटकता है। 1971 के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। यह वह दौर था जब पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने बांग्ला राष्ट्रवादी नेता बंग बंधु मुजीब को सत्ता हस्तांतरित करने से मना कर दिया था, जबकि उनकी पार्टी आवामी लीग को 1970 में हुए आम चुनाव में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत मिला था। 7 मार्च की इस स्पीच ने प्रभावी ढंग से बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। इस भाषण में खुलकर कहा गया कि कैसे औपनिवेशिक शासन के बाद देश समावेशी लोकतांत्रिक समाज को विकसित करने में नाकाम रहा और अलग जातीय सांस्कृतिक भाषाई और धार्मिक समूहों से भेदभाव हुआ। यह भाषण असाधारण था। गौर करने वाली बात यह थी कि इस भाषण के लिए मुजीबुर रहमान ने कोई तैयारी नहीं की थी, बस स्टेज पर जाकर उन्होंने खुद ब खुद ही बोल दिया था। करीब 20 मिनट के संबोधन में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ने की शुरुआत हो गई। दरअसल इस संबोधन के अगले कुछ दिनों के भीतर ही मार्च 1971 में मुक्ति संग्राम की शुरुआत हो गई थी और आखिरकार 16 दिसंबर को भारत के आगे पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए और मानचित्र पर नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।